दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी कुटीर में। मेरा नाम है पीयूष और आज हम लोग देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका दूसरा पार्ट। और ये जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं दोस्तों, ये CBT 1 को, RRB JEE के CBT 1 को टारगेट करके लिए गए हैं। और इसमें को जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो RRB JEE में आ सकते हैं। तो दोस्तों, टारगेट ये हमारा 500 क्वेश्चन की सीरीज़ से कि आपको यहाँ से पासिंग मार्क बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक। तो दोस्तों, जो सिगरेट स्मोक होता है हमारा, ये बना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करता है और ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और इससे डेथ के भी चांसेस बन जाते हैं। निकोटीन भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द नोबेल गैसेज एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू। नोबेल गैसेज जो होती है हमारी, केमिकल रिएक्टिविटी देखा जाए तो बहुत ही लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे नोबेल गैसेज हमारी होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो हीलियम में एटॉमिक नंबर देखा जाए तो इसका होता 2, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर नियॉन को हम ले लें तो पहले ऑर्बिट में देखें तो 2, ये न्यूक्लियस है, तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 8 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस्ड है, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है तो फिर इसे इसको बाहर निकालना या कोई और इलेक्ट्रॉन लेना तो मुश्किल है, तो रिएक्शन ये नहीं कर पाता है। इसलिए इसका जो रिएक्शन होता है लो केमिकल रिएक्टिविटी होता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो जो है वो बैलेंस्ड है, तो इसका जो आंसर होगा वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय डज नॉट कॉन्टेन द मेटल। तो दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाम है इसका जर्मन सिंबल, बट इसके एलॉय में देखा जाए तो सिल्वर होता ही नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके एलॉय की हम बात करें तो इसमें होता है कॉपर होता है, निकिल होता है, जिंक होता है। कॉपर होता है 60%, निकिल होता है 20% और जिंक भी होता है 20%। तो इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि सोलर एनर्जी फोटोवोल्टेइक सेल का यूज करके आउटपुट पे क्या देता है। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके फोटोवोल्टेइक डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये एक्टिव सोर्स होता है। ये क्या करता है, फोटोवोल्टेइक जो हमारा सेल है ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। और ये करता क्या है दोस्तों, कि इसमें कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी को लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको याद रखिए, ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो किसके फॉर्मूले में वेलोसिटी और टाइम आता है ये देख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो इससे मतलब ही नहीं है, ये नहीं होगा। स्पीड है, स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी नहीं होगा। डिस्टेंस ये भी नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे हम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का, तो ये आपका वेलोसिटी है, तो ये टाइम है, और ये जो बनता है इस पर कोई भी कर्व बनती है इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियॉन। दोस्तों, होता क्या है कि एटम जो है हमारा, एटम ये मिल के बना होता है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस से। दोस्तों, जब मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो ये सब बहुत ही अच्छे से बता दूंगा आपको कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और
इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है, ये सब मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो न्यूक्लियस जो है हमारा, वही पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में क्या है, आईटी कंपनीज का हब है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज का, तो इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली। और ओरिजिनल सिलिकॉन वैली की बात करें हम तो ये है हमारा यूएसए में, और वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में भी आईटी का हब है, आईटी कंपनीज का। कैलिफोर्निया भी बहुत बड़ा हब है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछे सिलिकॉन वैली तो वो हो जाएगा कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम बेंगलुरु का एक दूसरा नाम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ फीमेल वॉइस फ्रॉम अ मेल वॉइस इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है वो होता है पिच। एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, पिच जो होता है ये मेल वॉइस की बात करें हम तो ये कम होता है और फीमेल वॉइस का ज़्यादा होता है। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, फीमेल वॉइस का ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है अर्थ से ये कैसे जुड़ा होता है ये पूछ रहा है कि ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेविटी। और मून पे क्या होता है, मून की हम बात करें तो मून पे ग्रेविटी कम होती है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, तो ये यहाँ से एयर निकल जाती है, और हमारे अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म लाइज इन, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा डी, हेड के साथ चला जाएगा। दोस्तों जहाँ पे कॉन्सेप्ट देना होगा मैं दूंगा, और जो ऐसे याद करना होगा उसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और डायरेक्शन भी होता है इसके साथ, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी में भी दोनों होता है, टॉर्क में भी दोनों होता है, स्पीड देखें हम तो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूछ रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्पीड यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्निंग पाइराइट्स आर गिव्स आउट, तो पाइराइट्स को जब हम बर्न करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पाइराइट्स होता क्या है। तो ये होता है आयरन सल्फाइड होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला हम देखें, केमिकल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा Fe2 हो जाएगा। और ये जब बर्न होता है, आयरन सल्फाइड जब बर्न होता है तो ये देता है हमें सल्फर डाइऑक्साइड देता है। और दोस्तों एक और पॉइंट इससे कि जो पाइराइट्स होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में भी आता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पाइराइट्स क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, अगर ये भी पूछ दे तो आप बताइएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जलाने पे क्या आउटपुट में देता है, तो ये देता है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे यूज होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज,
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूछ रहा है कि जजेस कितने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, तो ये है दी हेग में, और ये है नीदरलैंड, या नीदरलैंड को ही हम बोलते हैं हॉलैंड, हॉलैंड में है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछता है, और नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लीगल लिमिट ऑफ एबोर्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, तो ये होता है दोस्तों 3 महीना, 3 मंथ्स होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो एबोर्शन होता है, जो लीगल लिमिट बोला जाता है कि मतलब जिससे इसके अंदर एबोर्शन आप करवाते हैं तो नुकसान नहीं होगा, इसके बाद अगर आप कराते हैं तो हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये जो होता है 3 मंथ्स, ऑप्शन वीक्स में दिया है, तो 3 मंथ्स यानी कि 12 मंथ्स के साथ आंसर आपका चला जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, WHO, तो इसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा में। एक और बात दोस्तों, जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हैं ज़्यादातर उसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, GIS स्टैंड्स फॉर, तो ये है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये स्कीम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, तो दोस्तों लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं हो सकता, ऑप्शन में देख के बताना हमें। तो ग्लास तो यूज हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है क्ले जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ये एक सॉयल होती है, मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन एसी सर्किट्स एसी मीटर्स मेजर्स, तो एसी सर्किट में दोस्तों एसी मीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, एसी मीटर्स जो भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एसी मीटर्स की, तो एमी मीटर आपका हो गया, बोल्ट मीटर, जितने भी एसी मीटर्स होते हैं ये पूछ रहा है कि क्या मेजर करते हैं ये, तो ये मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू। अगर एसी सर्किट की हम बात करें दोस्तों, एसी सर्किट, तो एसी सर्किट हमारा ऐसे ही होता है, साइनोसोइडल वेव बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसी सर्किट तो ऐसे ही बनता है, और हम डीसी की बात करें तो डीसी ऐसे बनता है, तो डीसी में क्या है कि केवल एक ही वैल्यू होती है ना, तो डीसी में तो एक ही वैल्यू है, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है आपका लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रह रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है इसमें, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में अगर हम देखें तो देखिए इस टाइम पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ये टाइम है आपका और ये है वोल्टेज या करेंट ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वोल्टेज या करेंट का ये मैग्नीट्यूड है, तो इस टाइम पे कुछ और है, यहाँ पे देखें तो कुछ और है, यहाँ पे देखें तो कुछ और है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड केवल एक नहीं होता है। एसी में जो हम मैग्नीट्यूड्स लेते हैं वो हमारा होता है एक एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है हमारा, एक होता है पीक वैल्यू होती है या क्रेस्ट वैल्यू इसको बोलते हैं, और एक होती है हमारी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो भी मीटर्स होते हैं वो मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू। घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, पता होगा आप लोगों को 220 वोल्ट की सप्लाई बोलते हैं हम लोग सिंगल फेज में, तो ये क्या होता है, ये भी आरएमएस वैल्यू ही होता है, आरएमएस वैल्यू ही ये भी होता है। दोस्तों जब मैं एसी एनालिसिस टेक्निकल एबिलिटी का जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि ये सब होती क्या आखिर में, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इसके बाद इसमें आता है एक फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब होते क्या हैं, ये सब कुछ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पीयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन टू डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर कंज्यूम्ड इन 2 आवर, तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो पावर का फार्मूला सिंपल सा होता है वी इंटू आई, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 5 एम्पीयर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 1100 वॉल्ट आता है,
लेकिन आंसर दिया हुआ है किलोवाट में, तो इसको हम किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 किलोवाट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा रहता है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे घंटा भी दिया हुआ है, और अगर एनर्जी पूछा होता एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का यूनिट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, ये होता है किलोवाट आवर। और यहाँ पे और एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है पावर इंटू टाइम, तो करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा एनर्जी। तो 1.1 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 ये हो जाएगा किलो वॉट आवर। और एक यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं यहाँ से बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 किलो वॉट आवर जो होता है इसमें कितना किलो कैलोरी होता है, ये भी डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, ये होता है 860 किलो कैलोरी। और 1 किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये सब दोस्तों याद रखिएगा, ये सब ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्ट उठा के, और जब मैं पढ़ाऊँगा टेक्निकल एबिलिटी का पोर्शन, तो ये सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप लोगों का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, बाय, टेक केयर।